हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम होंडा सीबी 350 इस बाइक का टेस्ट राइड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो लुक है थोड़ा सा अलग है। जो होंडा हाइनेस आती थी, होंडा सीबी 350 आरएस आती थी, तो उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे जो है एकदम क्लासिक लुक देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि आपको रॉयल इनफील्ड, क्लासिक बुलेट 350 इन सब में आपको देखने के लिए मिलता है, वैसा ही लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, वही सेम इंजन मिलता है। 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर, अराउंड 21 पीएस की पावर देता है और अराउंड 29.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। 5 स्पीड का यहाँ पे आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, देख सकते हैं आप। इसमें जो है अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, टायर्स आप देख सकते हैं ट्यूबलेस मिलते हैं। सीट जो है इसमें आपको सिंगल सीट भी कर सकते हैं और डुअल सीट, दो सीट। इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है, कुशन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो है रेलिंग मिल जाती है पीछे की तरफ और इंडिकेटर्स देख सकते हैं आप, लाइट देख सकते हैं, पूरी जो है LED मिलती है। एग्जॉस्ट इसका आप कुछ इस टाइप का मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है 350 लिखा गया है होंडा, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है ये वडोदरा गुजरात की जो प्राइस है 215,000 है डिलक्स वाले मॉडल की, और डिलक्स प्रो वाला जो मॉडल है जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइस है 218,000। जस्ट कलर का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्स शोरूम प्राइस है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक ठाक है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। इसके बाद सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको 800 mm का सीट हाइट मिलता है, जो कि डिसेंट है। अगर आपकी हाइट 5'2" 5'3" है तब भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 15.2 लीटर्स का मिल जाता है। माइलेज की यहाँ पे बात करें तो 30-35 km/h का माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट का जो टायर साइज है वो 100/90 सेक्शन का है, ये 19 इंच के व्हील वे माउंट है। इसका जो पीछे का टायर है ये 130/70 सेक्शन का है, ये 18 इंच के व्हील वे माउंट है। ट्यूबलेस टायर आपको देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे जो है डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस बाइक को अभी हम चला लेते हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। वैसे परफॉर्मेंस में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, जैसा आपने जो बाइक चलाई है दूसरी हाइनेस या फिर सीबी 350 आरएस वैसा ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे होंडा की ये लगती है कि होंडा का जो इंजन रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा है। इससे पहले मैंने जो है रॉयल इनफील्ड की बाइक चलाई थी 350, तो उसका रिफाइनमेंट इससे कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। इसका जो रिफाइनमेंट है एकदम अलग लेवल का है और गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। स्मूथ है इंजन, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है और पावर वैसे कम है, 21 PS की पावर है। टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, 29 न्यूटन मीटर्स का है, तो ठीक है गाड़ी अच्छी है। और इंजन रिफाइनमेंट होने की वजह से इसका जो आपको माइलेज है काफ़ी बढ़िया मिलेगा, अराउंड जो है 30-35 km/h का माइलेज इसमें आराम से मिल जाएगा। और गाड़ी चलने में बहुत स्टेबल है, बहुत स्मूथ है, सेटिंग कंफर्ट भी बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी अच्छी है, सॉफ्ट ब्रेकिंग है, कोई ऐसा पैनिक ब्रेकिंग वाला सिचुएशन नहीं होता इसमें। और गाड़ी का आप इंजन नॉइज़ सुन सकते हैं, इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल नॉइज़ नहीं है और वाइब्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं है। इवन हैंड में भी फील नहीं होगा आपको वाइब्रेशन, और गाड़ी में वैसे ओवरऑल वाइब्रेशन भी कुछ भी नहीं है। तो चलने में काफ़ी स्मूथ है और इसको चलाने का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर जो है ये जो टक्कर देने के लिए आई है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, इसको टक्कर देने के लिए आई है, तो इसका जो रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा है और चलने में आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ है ये गाड़ी। और यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जैसा कि आपको हाइनेस और सीबी 350 आरएस में देखने के लिए मिलता था। टाइम मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, रेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और गाड़ी की आवाज़ आप सुन सकते हैं, इवन आप इसकी जो RPM है उसको बढ़ाएंगे 6,000-7,000 RPM पे भी आप देखेंगे तो गाड़ी में बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है, बहुत ही कम वाइब्रेशन है इस बाइक में। और आप देख सकते हैं गाड़ी पावर के मामले में कहीं पे भी पीछे नहीं है। और
हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब इस बाइक को जो बनाया गया है, होंडा हाइनेस ले लो चाहे आप CV350 RS ले लो, इंजन बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे जो है आपको डिज़ाइन के चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बाकी जो है गाड़ी बिल्कुल आइडेंटिकल है अपनी जो है हाइनेस और CB350 जैसी मिलती है। सीट का जो कंफर्ट है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है इसका, लंबी राइड पे भी जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार थोड़ी सी मैं इसमें आपको पावर दिखा देता हूँ, देखिए अगर आप हाई आरपीएम पे भी जाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलती है, यही इसका प्लस पॉइंट है। नॉइज़ कुछ नहीं मिलेगी और एकदम साइलेंट इंजन है, मतलब बुलेट वाली फीलिंग तो आती है लेकिन उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। इंजन का रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया, एकदम स्टेबल है, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा इसमें, तो बहुत अच्छी बाइक है। और ब्रेकिंग भी एकदम सडन नहीं लगती, एकदम नॉर्मल तरीके से लगती है। देख सकते हैं गाड़ी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है, पावर एंड पिकअप भी अच्छा है इसका, और LED लाइट मिल जाती है आप तो नाइट के टाइम पे ट्रैवल करेंगे, लंबी राइड पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिकेटर सब कुछ इसमें आपको LED मिलता है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर ये बड़ा कर देते जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट इसका जो है एनालॉग का अलग ही फील है, और छोटा सा जो है इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो यही सब होंडा CB350 बाइक पर एक राइड रिव्यू था, तो मेरे दोस्तों जितना ही, थैंक यू।